A very good morning to all. In this video, we will know how to prepare a lesson plan of English prose. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे English prose के lesson plan की. Topic हमारा the monkey and the crocodile. इस वीडियो में हम step by step English prose के lesson plan को जानेंगे कि किस तरह से हम English prose के lesson plan को frame करते हैं. First of all, we fill basic initial like that, date, class. सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन. हमारा आज का टॉपिक है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. इंग्लिश प्रोज का प्लान है. तो टॉपिक जो हमारा होता है वो शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन. टॉपिक हमारा अंडरलाइन और बोल्ड होना चाहिए. टॉपिक को हम कब लिखते हैं, जब हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं और हमारा टॉपिक निकल कर आ जाता है. आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द एम वी विल राइट हेयर द टॉपिक नेम. Then after we will write general objectives. General objectives should be based on prose, poetry, grammar, composition. जो हमारे general objectives होते हैं वो subject से संबंधित होते हैं. मतलब general objectives related to the subject, entire subject. यहाँ पर prose आपका सब्जेक्ट हो जाता है इंग्लिश में, पोइट्री आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रामर आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं वो पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं हमारे, ठीक है. तो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे हम, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड प्रोज लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस इंटोनेशन एंड पॉज. सेकेंड वन, to enable the students to comprehend the thought and idea contained in the passage, to enrich their active and passive vocabulary, to enable the students to express the ideas contained in the passage orally and in writing, to develop their interest for reading, to enable them to write correctly, to build their character and prepare for the world citizenship. Then after we will write specific objectives. Specific objectives should be based on topic or content which will be taught in the classroom teaching. Specific objectives आपके based होते हैं content के ऊपर, जो content आपको classroom में teach करना होता है या आपने जिस topic का lesson plan बनाया होता है. तो हमारे general objectives entire सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, पूरे विषय से संबंधित होते हैं, और हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो आपके संबंधित होते हैं किससे, टॉपिक से या हमारे प्रकरण से. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन आवर टॉपिक और कंटेंट. यहाँ पर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मेनली थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. चौथी कैटेगरी आप एक और ऐड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट या रुचि. पहला आपका हो जाएगा नॉलेज, ज्ञानात्मक उद्देश्य. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स सेंटेंस पैटर्न इन द लेसन और स्टोरी. सेकेंड आपका हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स and ideas of the passages. Second, students will be able to get the central idea or theme of the lesson or the story of the monkey and the crocodile. Application, students will be able to organize the ideas, the facts, etc. into paragraph. Students will be able to create the relevant ideas for this story or lesson. लेसन प्लान, हाउ टू प्रिपेयर ए लेसन प्लान इंग्लिश प्रोज, हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान ऑफ इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश ग्रामर. प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रोज का लेसन प्लान, पोइट्री का लेसन प्लान, ग्रामर का लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. और आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, या आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियसली लेसन प्लान को एक्सेस कर सकते हैं. आफ्टर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वी शुड मेंशन हियर टीचिंग एड्स एंड मटेरियल एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल.
स्पेशल, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य के बाद हमको मेंशन करना होता है कि इस लेसन प्लान में हम स्टूडेंट्स को या अपनी क्लास को इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए किन किन टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड, मॉडल, चार्ट या जो भी नेसेसरी एड्स है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। अपनी टीचिंग लर्निंग जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएटिव, इफ़ेक्टिव, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना है। और वैसे भी आपको लेसन प्लान में एक चार्ट, एक मॉडल और विद फ्लैश कार्ड यूज़ करना है, इससे आपका लेसन प्लान अट्रैक्टिव होता है और बच्चे आपके लेसन प्लान में इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड। और आप ध्यान रखेंगे क्लास में जब आप बच्चों को वर्ड मीनिंग लिखाते हैं तो वहाँ पर कलर चौक का यूज़ किया करें। देन आफ्टर वी विल राइट हेयर मेंशन हेयर प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द लेसन, अबाउट द स्टोरी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। देखो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं एक पोएम, पोइट्री या स्टोरी या जो भी कंटेंट आपको पढ़ाना होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं। जैसे बच्चों ने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी बचपन में, चाइल्डहुड में अपने, मंकी एंड कैट, ठीक है, कुत्ते बिल्ली की कहानी, आपकी बंदर बिल्ली की कहानी, इस तरह से बच्चे बचपन में जानवरों की कहानियों को सुनते हैं, उनको कुछ ना कुछ कहानियों के बारे में पता होता है। तो बच्चे यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज रखते हैं, कुछ ना कुछ मंकी के बारे में रखते होंगे, क्रोकोडाइल के बारे में रखते होंगे, कुछ ना कुछ बेसिक उनके पास रॉ मटेरियल होगा। देन आफ्टर वी विल राइट हेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इसके बाद हम यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेसन प्लान, जो हमारे लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके ऊपर ही पूरा लेसन प्लान हमारा इवेलुएट होता है, उसका मूल्यांकन होता है। अगर आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस अच्छे से बनाना आ जाता है तो आपके जो लेसन प्लान की क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है और आपके लेसन प्लान अलग से नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं कुछ चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, प्रस्तावना प्रश्न आपके पूर्व ज्ञान पर के आधार पर बनाए गए हों, शुड बी इजी, सरल भाषा में हो, नॉट यूज टू मीनिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर सिक्वेंस में हो, मतलब जिग जैग के फॉर्म में हो। पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उस आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना है। बाकी लेसन प्लान को कट कॉपी पेस्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी उसको कर सकता है, लेकिन लेसन प्लान को बनाना, उसको समझना, उसकी बारीकियों को जानना, जिससे इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनेंगे तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को लेसन प्लान बनाना सिखा पाए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेसन प्लान हमारा होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर हमने बनाए हैं प्रस्तावना प्रश्न, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स करेंगे वहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और भी कई चीज़ें आपको बताएंगे वहाँ पर, तो वो आपके प्रोबेबल आंसर होते हैं आपके। आप बच्चों के आंसर लेंगे, उनको रीइन्फोर्समेंट देंगे, ठीक है, उनको अप्रिसिएट करेंगे, उन बच्चों से आंसर लेने के लिए आप उनको क्या करेंगे, प्रमोट भी करेंगे। देन आफ्टर वी विल फ्रेम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप यहाँ पर देखेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स आए हैं, इन्हीं से हमने अगला क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, इसी को हम बोलते हैं जिग जैग फॉर्म या कॉन्टीन्यूटी इन क्वेश्चंस। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, वी गॉट द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम द ट्रीज एंड प्लांट्स, हम फूल, सब्जी, फल, अनाज, पौधों और पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी बच्चों का रीइन्फोर्समेंट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और बच्चों को अप्रिशिएट करते हुए बैठाएंगे और क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रखेंगे, होल क्लास, एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा ना हो क्वेश्चन आगे से पूछ लिए, ऐसा ना हो क्वेश्चन पीछे से पूछ लिए, तो क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका बिखराव है पूरी क्लास में इक्वली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया उसी क्वेश्चन से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया है यहाँ पर। टेल मी द नेम ऑफ सम क्रिएचर्स और एनिमल्स लाइव ऑन ट्रीज, कुछ
जीव जंतुओं के नाम बताइए जो पेड़ पर रहते हैं। तो बच्चे आपको बताएंगे बर्ड्स, चिड़ियाँ, स्क्वायरल, गिलहरी, मंकीज, बंदर, ठीक है, और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके बारे में बच्चे आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों को आपको क्या करना है, बच्चे आंसर देंगे, आपको रिइंफोर्समेंट देना है, उनको मोटिवेट करना है, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको इंक्लूड करना है, इनको इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, विच स्टोरीज हैव यू लिसन अबाउट मंकी, मंकी के बारे में, बंदर के बारे में आपने कौन सी कहानियाँ सुनी हैं। अब बच्चे बताएंगे मंकी एंड कैट, बंदर और बिल्ली की कहानी, मंकी एंड क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ की कहानी, ठीक है, मंकी एंड हनी भी, बंदर और मधुमक्खी वाली कहानी, ऐसी बहुत सी कहानियाँ बताएंगे जो उन्होंने सुनी होंगी, ठीक है। देन आफ्टर वी विल आस्क लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो मोर अबाउट द स्टोरी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बच्चे का थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करेंगे यहाँ पर, उनकी रिस्पॉन्स ले लेना है। देन आफ्टर यू विल डिक्लेयर द स्टेटमेंट ऑफ द एम, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है, इसके बाद आपको लेसन प्लान को स्टार्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी और डिस्कस द लेसन प्लान द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। इसके बाद आपका एक्चुअल लेसन प्लान स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, प्रस्तुतिकरण जो कि 5 कॉलम में डिवाइड रहता है आपका, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, मेथड एंड डिवाइस, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। पहला इंग्लिश प्रोज में जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका मॉडल रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं आदर्श वाचन। यहाँ पर क्या होता है, अब आपको द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की जो स्टोरी है, जो आपका पैसेज है, उसको स्टूडेंट्स के सामने लाउडली पढ़ना है, ठीक है, उसी को हम मॉडल रीडिंग कहते हैं। पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनंसिएशन एंड इंटोनेशन। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो पैराग्राफ आपको पढ़ाना होता है उसको आप चार्ट पेपर पर, ठीक है, थिन पेपर पर लिखकर लेसन प्लान पर भी पेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, विल लिसन केयरफुली। अगर आप किसी TLM का यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं, तो बच्चे उस TLM को देखेंगे और आपको सुनेंगे। मेथड आपका कौन सा होगा, टेक्स्ट बुक मेथड। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोनंसिएशन ड्रिल। प्रोनंसिएशन ड्रिल में क्या होता है, उच्चारण अभ्यास। जब आप पैसेज पढ़ाते हैं उस पैसेज में कुछ टिपिकल वर्ड्स आते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं जिनको बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, उन वर्ड्स को आप नोटिस कर लेंगे, ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देंगे या उनको फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों से प्रोनाउंस कराएंगे। तो यहाँ पर आप 4 वर्ड ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतने वर्ड्स को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कुछ कठिन शब्दों का आप उच्चारण अभ्यास कराएंगे बच्चों को। स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस प्रॉपरली, विद्यार्थी प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, मेथड आपका ड्रिल हो जाएगा। और आप यहाँ पर फ्लैश कार्ड बनाएंगे, कैसे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, बोल्ड बनाएंगे, फॉन्ट साइज का ध्यान रखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे, कंट्रास्ट रहेगा आपका, ठीक है, ऐसा ना हो जिस कलर का चार्ट है उसी कलर का जो आपका फॉन्ट साइज है, जो मार्कर है वो भी उसी कलर का है, तो क्या होगा, आपका जो फ्रेश कार्ड होगा वो अट्रैक्टिव नहीं होगा और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप 3, 4, 5 जितने भी वर्ड आप चाहें बना सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पर इमिटेशन रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होता है, मॉडल रीडिंग में क्या था, आपने पढ़ा बच्चों ने सुना, अनुकरण वाचन में अब बच्चे पढ़ेंगे आप सुनेंगे। बच्चे कोई गलती करते हैं, उनकी गलती को, उनकी एरर को आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे और उनको आगे प्रमोट करेंगे, उनको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड 1 by 1 विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अब आप क्लास में 5-6 बच्चों से 1 by 1
उस स्टोरी को, उस पैराग्राफ को क्या करेंगे, रीड कराएंगे और बच्चे सुनेंगे, अपनी किताबों में देखेंगे। मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड। देन आफ्टर यू विल राइट हेयर वर्ड एक्सपोजिशन। यहाँ पर आप कठिन शब्द, एक कठिन निवारण हिंदी में बोलते हैं, कठिन शब्द कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनके आप बच्चों को मीनिंग बताएंगे, ठीक है। तो उन वर्ड को आप ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे, ठीक है, बच्चों की हेल्प से। पहले बच्चों से पूछें, किसी बच्चे को आता तो नहीं, अगर आता होगा तो उसके थ्रू और बच्चों को क्लियर करेंगे आप, वो बताएगा, आप उसको पूरी क्लास में स्प्रेड कर देंगे और बच्चों को बताएंगे। पहला वर्ड आपका डिस्ट्रेस्ड है, आपका यहाँ पर मीनिंग ट्रबल हो जाएगा। सेंटेंस, मंकी बार डिस्ट्रेस्ड क्यों था, क्योंकि वहाँ पर जो मगरमच्छ की पत्नी थी उसने बंदर का कलेजा या हृदय मांग लिया था, जिससे बंदर बहुत ज़्यादा उदास था, स्केयर्ड हो गया था और बहुत ज़्यादा उसको ट्रबल में आ गया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा स्टूडेंट क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे जब आप उनसे कहेंगे, उनको इन्वॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा डिफ़िकल्टीज, बाधाएं, टू हैव प्रॉब्लम, ठीक है। सेंटेंस इन्वॉल्व स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेंगे, उनके थ्रू यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एबिलिटी डेवलप होगी, कंप्रिहेंसिव एबिलिटी डेवलप होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन की एबिलिटी डेवलप होगी और वो एप्रीहेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा अपीयर्ड, केम इन टू व्यू। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप क्लास से बाहर चले जाएंगे, एकदम क्लास के अंदर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ एक्शन करके दिखा देंगे, अपीयर्ड का मतलब बाहर आना, अचानक से प्रकट होना। देन आफ्टर साइलेंट रीडिंग रहेगा नेक्स्ट पॉइंट आपका, जिसको हम बोलते हैं मौन वाचन। साइलेंट रीडिंग हम इसलिए कराते हैं क्योंकि इसके बाद हम बच्चों से पूछते हैं कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, तो बच्चे यहाँ पर एक बार साइलेंटली लेसन को रीड कर लेते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर क्या होती हैं, वो वहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्यों अब सारे मैम पूछने जाएंगी तो हम उनको बता पाएँ। तो यहाँ पर हो जाएगा द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज साइलेंटली विदाउट मूवमेंट ऑफ लिप्स। आप बच्चों से कहेंगे बिना किसी बात के अपनी किताब में देखकर लेसन को पढ़िए, अभी हम आपसे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विल रीड द पैसेज साइलेंटली, मेथड टेक्स्ट बुक मेथड। अब अगला रहता है आपका कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब आप यहाँ पर जानेंगे, इवेलुएट करेंगे कितना बच्चों ने रिसीव किया, कितना बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके टीचिंग से बच्चे कितने अट्रैक्टिव हुए, कितना उनको बेनिफिट हुआ। बच्चे अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपकी टीचिंग सार्थक है वहाँ पर, बच्चे अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। अब आप क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर आप 5, 4, 3 जो आप चाहें, जितने आपकी मर्जी हो, जो आपकी क्लास की लिमिट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द मंकी लिव, तो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, यहाँ पर बच्चों को रिइंफोर्समेंट देना है हमको, वेयर डिड द मंकी गिव द क्रोकोडाइल टू ईट, ठीक है। व्हाट डिड, तो क्या देता था, उनको फ्रूट्स देता था। अगला आपका हो जाएगा हाउ डिड द क्रोकोडाइल रिएक्ट टू गेट द फ्रूट्स, तो यहाँ पर आप क्रोकोडाइल क्या होता है, बिकेम हैप्पी। अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टेप ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ठीक है, ब्लैक बोर्ड समरी। अब यहाँ पर आपने जो बर्ड एक्सपोजिशन कराया था, जो बर्ड मीनिंग बच्चों को कराए थे, उनको यहाँ पर मेंशन करने को बोल देते हैं, ठीक है, बच्चों को अलाउ कर देते हैं, परमिशन ग्रांट कर देते हैं कि आप अपनी कॉपी में उन बर्ड्स को उतार लें। राइटिंग एंड सुपरविजन, इसको पूरी को बोलते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ठीक है, एंड क्लासरूम सुपरविजन। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ही सी विल सुपरवाइज द क्लास। जब बच्चे क्लास कॉपी में उतार रहे होंगे, आप क्लास में राउंड लेंगे, सुपरवाइज करेंगे कि बच्चे उतार रहे हैं कि नहीं। लास्ट में आपका रहता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है, आप यहाँ पर बच्चों की नॉलेज को एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं, यहाँ पर हम क्विक चेक करते हैं यहाँ पर कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना जाना। तो यहाँ पर हम फिल इन द गैप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, क्वेश्चन आंसर, किसी भी फॉर्मेट में बच्चे के स्किल, बच्चे की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है होमवर्क, यहाँ पर हम बच्चे को होमवर्क दे देते हैं जो आप चाहें। स्टूडेंट विल लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द स्टोरी, बच्चे जो पार्ट में कठिन वर्ड आए हैं उनको याद करके आएंगे। और आपका यहाँ पर लेसन प्लान समाप्त हो जाता है।
इंग्लिश प्रोज़, इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश ग्रामर और अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है आपका लेसन प्लान और बीएड एंड बीएलएड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और ऊपर आपको आई बटन में भी दिया जाएगा। कोई आपके सजेशन हैं, कोई इम्प्रूवमेंट हैं या कुछ नया चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।